अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इसमें सादिया हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी मैक्रोनी विथ मशरूम। जब बहुत तेज़ की भूख लगी हो और समझ नहीं आए कि हम खाने में क्या बनाएं, तो ये सबसे इजी तरीका है। यहाँ एक मैक्रोनी ली है मैंने, यहाँ पे मैंने ओरिगैनो और चिली पाउडर, उसमें नमक भी डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन ली हुई है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप बिल्कुल यूज़ करें, फ्रेश मेरे पास फ्रीज़र वाली थी। यहाँ पे मैंने मशरूम लिया हुआ है, मशरूम भी आपको फ्रेश भी मिल जाता है और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिया हुआ है कुकिंग क्रीम। तो आइए चलते हैं किस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया, इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे और साथ ही नमक डाल देंगे। सो यहाँ पे हमारी मैक्रोनी हो चुकी है। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली हुई है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे मशरूम, मशरूम डालेंगे बाद भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। सो गाइस, आप चाहे तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है मशरूम और चिकन। अब यहाँ पे हम वो मसाले ऐड कर देते हैं जिसमें नमक और रेड चिली पाउडर था और ओरिगैनो था, इनको सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गार्लिक यूज़ करूँगी जस्ट फ्लेवर के लिए, ऐसे अच्छा फ्लेवर आता है। सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग क्रीम 2 कप। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी क्रीमी चाहिए तो आप 3 कप भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल चाहिए तो आप 2 कप ले लें। यहाँ पे क्रीम में हल्का हल्का सा बॉईल आ गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। सो गाइस, क्रीमी मैक्रोनी विद मशरूम हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत मज़े का लग रहा है। आपने देखा, बहुत इजी तरीके से भी बन गया। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।